ऐसी महिलाएं जो एक सिंपल साड़ी और सूट में होती हैं, लेकिन उनके काम इतने बड़े होते हैं कि उनको बयान करने के लिए पुखराज टीवी ने आज ये जिम्मा लिया है। तो वंस अगेन आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में हमारे सबसे पहले शीरोज जो हैं वो है मैम अंजना जोशी, जो कि NFCI से हैं, और NFCI के अलावा वो 15 जो ब्रांचेस जो हैं उनको एक घर के तरह रन कर रही हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम का कि उन्होंने अपना कीमती समय आज हमें दिया। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ मैम अंजना जोशी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो मैम। हेलो हेलो राजन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, एंड थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम दिया। सो शुरू करते हैं, आपके बारे में बहुत सुन रखा है तो जानना चाहेंगे बचपन से आपका बचपन कैसा रहा, आप किस तरह से, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, रात भर हम लुका छुपी खेलते रहते थे या है ना फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते, क्या आपका बचपन कुछ इस तरह से रहा? बचपन बहुत ही बढ़िया रहा, बिकॉज हम चार सिस्टर्स और एक ब्रदर थे, तो हम लोगों का अगेन वेरी डिसिप्लिन्ड आल्सो, बिकॉज 5 बजे उठना सुबह, पापा का डिसिप्लिन लाइफ का हमारे को दिया हुआ था, तो वो डिसिप्लिन लाइफ हम लोगों ने जिया। और यस, रात में हमारा ज़रूर घूमने ज़रूर जाते थे, करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे ही मस्ती करते हुए, और पार्क में ज़रूर जाके खेलना शाम को। उसी तरीके से मतलब अपनी फ्रेंड्स को घर पे बुलाना, बैडमिंटन खेलना, कुछ डांस करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग करते ही रहते थे। Wonderful. और रात में हमारा जो ड्राइंग रूम होता था ना, वो एकदम डांसिंग शो बन जाता था, हम लोग अपने टेबल के ऊपर में खड़े होकर डांस करते थे इस तरीके। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बिलोंग जो है, अगर मैं कहूँ पूरे इंडिया को बिलोंग करती हूँ, बिकॉज पापा वॉज इन टू ट्रांसफरेबल जॉब, बट अदरवाइज लास्ट जो हम लोगों का था दैट वॉज इन टू BHL रानीपुर हरिद्वार। हरिद्वार में जी, तो हरिद्वार में एट द टाइम जब आप बात कर रहे हैं बचपन से, तो डांस को क्या इतनी प्रेफरेंस देते थे वो? हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर कन्वेंशन हॉल हुआ करता था, तो वहाँ पे डांस भी सब कुछ एवरीथिंग, मतलब आप कहें कि हर गर्मियों की छुट्टियों में हम लोगों को पेंटिंग भी सीखना ज़रूरी होता था, इनफैक्ट टाइपिंग भी सीखना ज़रूरी होता था, स्टेनो का भी सीखा हुआ है, एंड इसी तरीके के बहुत सारे मतलब हारमोनियम, मतलब वोकल म्यूज़िक, ये सब चीज़ें एवरीथिंग। वेरी नाइस। सो स्टडी में किस तरह से आप? स्टडी में कहूँ तो मैं शुरू में बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे काम करते चले गए, मतलब आगे बढ़ते गए क्लासेस के अंदर, तो अच्छी हो गई। और मज़े की बात बताती हूँ इसके अंदर में क्या हुआ, कि माय फादर और मेरे मम्मी जो चाहते थे कि घर की पहली डॉटर है तो शी शुड बी अ डॉक्टर, बिकॉज मेरा मैटरनल साइड जितने भी हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो मुझे बोला गया कि आपको डॉक्टरेट करना है, एंड आई वॉज लाइक नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है मुझको। तो मैंने अपना ना 10th के अंदर मेरे रिजल्ट ही रिवर्स कर दिया, पहले 9th तक मैं मैथ्स के अंदर में बहुत कम मार्क्स आते थे, और 10th में जाकर मेरा 87 आया 100 में से, और उसके अंदर में साइंस के अंदर में सीधा 51 पे घूमा है। तो मैंने कहा नहीं, साइंस नहीं लेना, कुछ और करना है लाइफ के अंदर में, तो वो चीज़ फिर किया। उसके बाद फिर आपने आगे क्या परस्यू किया? मैंने 11th में कॉमर्स ले लिया था, देन उसके बाद में कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स एंड कंप्यूटर्स। वंडरफुल। एंड आगे बढ़ते बढ़ते उस समय तो शायद अर्ली मैरिजेज हो जाती थी, फिर मैरिज का सीन कैसे बनाया, कैसे? नहीं, अर्ली मैरिजेज यस, क्योंकि घर के अंदर में चार सिस्टर्स थी, तो पापा के ऊपर बहुत प्रेशर था कि नहीं इनकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, तो मैंने इसलिए 12th के बाद में पापा को बोला नहीं मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजो। तो पापा ने कहा कि देखते हैं, चलो करते हैं, तो आई वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली के अंदर में, तो बट वही था कि कोएड में नहीं पढ़ाना है, लड़की फर्स्ट टाइम बाहर जा रही है, जबकि 1st से 12th तक वी वर इन कोविड ओनली। तो फिर उसके बाद में हमने ग्रेजुएशन अपना जो किया वो MD यूनिवर्सिटी रोहतक से किया, विच वाज लाइक वे बैक इन 91-92 के अंदर में कंप्लीट करा, एंड BCom ही किया एंड कोविड में किया। और उसके बाद में ICWA साथ साथ में किया, और बाद में फिर आगे पढ़ते और पढ़ते रहे और काम करते रहे, जॉब करते रहे, तो जो शादी है वो हमारी ग्रेजुएशन के करीबन 3-4 साल बाद हुई। तो क्या शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग शादी मेरी, इट वाज लव मैरिज, और हम कॉलेज में मिले थे, कॉलेज के अंदर में, और अगेन एकदम फिल्मी सीन था कि कॉलेज की कैंटीन में मैं पहली बार गई थी उस कैंटीन में, और वही बुक्स का गिरना, और उसी तरीके से सीन क्रिएट हुआ, एंड दैट यस एकदम रियल, लोगों को लगता है कि नहीं मैं ऐसा बोल रही हूँ, इट वाज रियल, ऐसे ही हुआ था, बुक्स गिरी थी, आंखें मिली थी, और उसके बाद में करीब हम 4-5 महीने के बाद में
मैंने उनका नाम जानने की कोशिश करी या उन्होंने मेरा नाम जानने की कोशिश करी? उस टाइम बहुत मुश्किल होता होगा, मतलब फिर कैसे आपने बातचीत, क्योंकि 4-5 महीने इज अ बिग टाइम। आजकल तो मोबाइल फोन है तो फटाफट से उस टाइम नंबर एक्सचेंज होते हैं और बातें शुरू करते हैं, तो उस समय कितना चैलेंज रहा होगा कि एक दूसरे को जानना। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल, तो वो कॉलेज में आए, किसी और कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आए, तो मैंने देखा कि वो एक लड़का जो है वो भी उनके साथ में आया है, तो वहाँ से फिर हमारा हुआ कि यस, लाइक तब इम्प्रेस हुए आप, इम्प्रेस हुए, एंड देन फिर बातचीत, मतलब उनके फ्रेंड्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि चलो इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ना बर्थडे आया तो बर्थडे पे बोला कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि देखते हैं, क्योंकि बिकॉज अलाउड नहीं था, बट फिर भी हम लोग मिले उस टाइम पे थ्रू माय सिस्टर, एंड देन फिर मुलाकात जारी रही। लेकिन हम लोग फिर अगेन, मैं दिल्ली चली गई थी और चंडीगढ़ चले गए थे, हम नहीं मिल पाए थे, एंड देन जब फॉर्मली लाइक फादर एंड फादर मिले, देन फिर शादी का। सो मैम, लव मैरिज जो होती है वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक इन्फैटुएशन काइंड ऑफ होती है या फैंटेसी होती है, हम लुक्स के ऊपर या कई बार किसी नेचर के ऊपर फिदा हो जाते हैं, एंड बट जब शादी हो जाती है तो उसके बाद टोटल दुनिया चेंज हो जाती है, तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ या चैलेंजेस लगे आपको? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि 3-4 साल हम मिले ही नहीं थे, तो इतना हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बहुत थोड़ा जानते थे फॉर्मली। फिर उसका जब अरेंज मैरिज हुआ, तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ पे बोला कि तुमको जॉब नहीं करना है, बिकॉज अभी घर में आपकी ज़रूरत है। आई सेड ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गुड 3 मंथ्स पूरा अच्छे से दिया, मॉर्निंग 6 बजे उठ जाना अच्छे तरीके से, मतलब आप ये सोचिए कि मैंने बोला मेड भी नहीं चाहिए मुझे, आई विल मैनेज फर्स्ट, एंड देन एक बार घर को मैनेज करके फिर वी कैन अरेंज, धीरे धीरे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से 3 मंथ्स मैंने पूरा घर को दिया उनको पूरा, क्योंकि उनको लिखने पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने कहा कि नहीं आप पढ़ाई करिए, आप लिखिए अपना, बिकॉज ही इज़ अ राइटर, तो आप करते रहिए, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो सुबह 6 बजे उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, नितिन को ऑफिस भेज देना, एंड देन उसके बाद में पापा के साथ में बैठ जाना मैंने कि ठीक है आप पढ़िए, मैं भी आपको देखती रहती हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मेरा ना एक डिसिप्लिन लाइफ है, क्योंकि शुरू से ही जॉब कर रहे थे, तो उसके अंदर में भी यही था कि सुबह 6 बजे हम लोग निकल जाते थे, बिकॉज दिल्ली के अंदर में जॉब किया, 6 बजे निकल जाना, 9 बजे ऑफिस पहुंचना, 9 to 6 ऑफिस करना, 6 बजे फिर आके घर में खाना वगैरह बनाना। तो ये चीज़ लाइक इस तरीके का कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जो कि हमारे जितने भी यूथ हैं, मैं इस समय कहूँगा कि अगर मैम आज बात कर रहे हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो शायद हम किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो मैम आप स्टडी में भी, आप भी ऐसे आपने बताया कॉमर्स में, आपने दिल्ली में भी, आपने ना यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, तो उसके बाद सीधा आप एकदम होम मेकर की लाइफ आ गए, और मतलब मैंने आपको कहा ना सिर्फ 3 मंथ्स होम मेकर रही मैं, उसके बाद कैसे फिर आगे जर्नी? उसके बाद में बस मैंने पापा को बोला कि मैं एक बार बस जॉब ट्राई करती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि टाइम कैसे सुटेबल रहता है। फर्स्ट डे जॉब के लिए गई, यहाँ पर मैंने ट्राई क्या करा, मतलब इंटरव्यू दिया और उन्होंने फटाफट से सिलेक्ट कर लिया, और मैं उन्हीं से दिन ज्वाइन करके 6 बजे घर पहुँची, 6 बजे जाके खाना वगैरह बनाया, एंड देन उनको लगा कि नहीं, शी कैन मैनेज, शी हैज़ दैट स्किल कि ये कर सकती हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं आप निकलो, आप करो जॉब करो, एंड देन उसके बाद से नो लुकिंग बैक, ही इज़ लाइक माई फादर, मतलब मेरे, मैं कहूँ मेरे पापा से भी बहुत बढ़कर, बिकॉज इट इज़ एन एजुकेशनल फैमिली, तो एकदम उन्होंने बोला नहीं तुमको जो दिल कर रहा है ना वो तुम करो। कभी किसी ने नहीं रोका, ना हस्बैंड ने, ना ब्रदर इन लॉ ने, इनफैक्ट अब बेटा भी है, कोई नहीं रोका। पहली जॉब कौन सी थी आपकी? पहली जॉब, लाइफ की पहली जॉब जी, तो आई वॉज इन टू कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, विच वॉज इन दिल्ली। ओके, तो उनके एक्सपोर्ट हाउस भी था, साथ में उनका एक हॉस्पिटल भी था, और एक काम एक मतलब कंप्यूटर्स रिलेटेड था, तो आई वाज एन अकाउंट्स ऑफिसर देयर, तो उसके अंदर में मैंने जॉब किया, और उनके तीनों ऑफिसेस का जो भी अकाउंट्स होता था वो हम मैनेज करते थे। तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस था, या जैसे आप जलंधर में आए थे है ना, तो कुछ उसमें आपको जॉब, हाँ, जब आप दिल्ली से जॉब करके आते हैं और जलंधर के अंदर में आए, डिफरेंस था कुछ? बहुत डिफरेंस था, मतलब जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जॉब के लिए कराई था अपना, मतलब हमारे को ICWA भवन से ही, वहाँ से उन्होंने हमारे रिज्यूमेस भेज दिए थे यहाँ पर, तो यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे कि एक कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को अकाउंट्स में नहीं रखते हैं, लड़कियों को अकाउंट्स में नहीं रखते हैं। या कौन से साल की बात? इट वॉज इन 1996
कहते हैं लड़कियों को अकाउंट्स में नहीं रखा जाता है और अगर आपने करना भी है तो आप 1500 रुपये ले लीजिए और आ जाइए यहाँ पर कर लीजिए. तो आई वॉज लाइक नहीं, अगर लड़कियों को एक इज्जत ही नहीं मिलना है तो वाई टू वर्क हियर. देन आई शिफ्टेड माई लाइक लाइन ही शिफ्ट कर लिया कि एजुकेशन के अंदर ही जाते हैं. तो आई ज्वाइंड एप्टेक जिसके अंदर में हमने कंप्यूटर्स, बिकॉज आई वॉज इन टू कंप्यूटर्स बैकग्राउंड ऑल्सो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है उसके अंदर में कंप्यूटर्स के अंदर में. तो फिर वो मैंने बच्चों को वो सिखाया वहाँ पर. वंडरफुल. सो वहाँ से फिर आगे जर्नी में, आगे जर्नी के अंदर में 3 साल वहाँ पे करा एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ आ गए. ये कैसे शिफ्ट कैसे हुआ, ये टिल्ट कैसे? अगेन वो एजुकेशन था, ये भी एजुकेशन था. मेरा बेटा हुआ था तो मुझे बोला गया कि बेटे को जो है आप कैसे संभालोगे. अगेन फिर एक सिचुएशन ऐसी आ गई. तो प्रीवियस जो हमारे ऑफिस थे उन्होंने बोला कि नहीं, इनके घर में तो इनकी मदर इन लॉ भी नहीं है. एंड उस टाइम पे इतना शायद बाहर कोई चलन भी नहीं था कि बच्चे को आप कहीं पर कर सकते हैं. तो आई फाउंड अ वेरी गुड क्रेच हेयर कि जहाँ पर मुझे मिला. एंड देन यहाँ पे NFCI के अंदर में मिसेस ब्रिजिंदर कौर नागपाल, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन मी एंड देन आप धीरे धीरे बच्चे को भी संभालते रहो. तो मैं बीच में ऑफिस के बीच में चली जाती थी, उसको खाना वाना खिला के आ जाती थी एंड देन स्टार्टेड. और उसको 2.5 साल से, मतलब जब वो 2.5 ईयर का हुआ तो उसका भी टाइम 9 to 6 उसको बिजी कर दिया था. वंडरफुल. मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि काम करते करते, डिसिप्लिन में रहते रहते, मैनेज करते करते कहीं एक ऐसा स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाता है जब आप कोई रिक्रिएशन की तलाश करते हैं. तो आप कुछ सिंगिंग या कोई पेंटिंग या कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट नहीं रही. ओके, कभी तो कैसे रिक्रिएशन आप कैसे करते हैं? हर साल कुछ नया सीख लेती हूँ. अब सिंगिंग करती हैं? सिंगिंग तो नहीं करती हूँ, माय हस्बैंड डज. ओके, गाना नहीं. तो कुछ कुछ आपका जो फेवरेट कोई नंबर हो, जो आप कभी तन्हा हो या कभी किसी के साथ हो तो गाते हो, हमें थोड़ा सा जरूर सुनाइए. लव टू लिसन. कोई मोटिवेटिंग लाइंस जो आज आप कहना चाहें? मोटिवेटिंग लाइंस के अंदर में सिंगिंग में, मतलब सिंगिंग में थोड़ा मुश्किल है गाना. अच्छा, जब आप मिले थे सर से पहली बार तब आपको गाना कोई याद? तब तो माहौल ही कुछ और होता है तो फिर गाने याद आते हैं अच्छे. हमारा पहला गाना, इट वाज लाइक पहला नशा पहला खुमार. तो गा के थोड़ा सुनाइए जरा, एक आधी लाइन अगर हो जाए तो. नया प्यार है नया इंतजार. ये आप तो शर्मा रही हैं. वंडरफुल वंडरफुल. सो अंजना जी, एक और चीज, जैसे हम NFCI का आपने बताया, तो NFCI की जर्नी जो आपने शुरू की तब, तो वो तब से लेकर अब तक की जर्नी के अंदर किस तरह से आपने रॉ से शुरू किया होगा? जी जी. और एजुकेशन जब आप बात कर रहे हैं, उस समय इतना एजुकेशन का प्रचलन भी नहीं था. हाँ. लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आएंगी, ये होगा. तो वो कैसा रहा होगा इस समय, थोड़ा उस पर बताइए. 99 के अंदर में मैंने NFCI ज्वाइन किया था और उस टाइम पे ना इस तरीके का माहौल था कि जो पहले मोटिव था इस इंस्टीट्यूशन को खोलने का, दैट वाज अबाउट ओनली गर्ल्स के लिए. और फिर मैंने क्या करना था, मैंने अपना स्कूटर उठाना, पीछे बहादुर को बिठाना और मैंने कहा चलो चलते हैं, हम लोग पैम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और फिर स्कूल्स में जाके, स्कूल्स में जाके सेमिनार करना, कॉलेजेस में जाके सेमिनार करना, स्कूल्स में प्रिंसिपल से मिलना. तो उस चलन को एक चालू किया, विच वॉज लाइक एप्टेक में भी मैंने किया था और फिर यहाँ पर भी किया. तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को थोड़ी जानकारी हुई कि फूड तो नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, राइट? फ्रॉम कंप्यूटर फील्ड टू फूड फील्ड, इट वॉज लाइक कंप्यूटर फील्ड के अंदर में किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता था उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज लाइक नया आया था. तो हमारे पास में बैंक के जितने भी लोग हैं, बैंक एम्प्लॉयज़, वो भी बहुत सारे सीखने आते थे. तो आज जितने भी बैंक के अंदर में मैनेजर्स बैठे हुए हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अभी भी मैं कल परसों एक बैंक में गई तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि अरे मैम, हमने आपसे कंप्यूटर सीखा था. इट वॉज लाइक वंडरफुल, बहुत अच्छा लगता है. तो उसी तरीके से हमने धीरे धीरे ऐसे लोगों तक पहले एजुकेशन को पहुँचाया, लोगों को बताया कि कैसे एजुकेशन, मतलब स्प्रेड करना चाहिए या एजुकेट होना चाहिए, ये लाइन कहाँ तक आपको लेके जा सकती है. और ये लाइन जो है ना, बच्चों को पहले गर्ल्स थी, फिर उसके बाद में बॉयज़ आए कि मैम हम लोगों को दो रेसिपी सिखा दो, मुझे बटर चिकन सीखना है या दाल मखनी सीखना है. मेरे को बाहर से ना आया है, फ़ोन आया है कि आप सीखो, आप इसको सीखो. तो हमने वो चीज़ को सिखाना शुरू करा और फिर धीरे धीरे करके इसको एकदम पूरा अच्छा सा सिलेबस बनाया.
विच वॉज ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर, तो ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए. वंडरफुल. तो फिर आगे जाके आपको कुछ रिवार्ड्स अवार्ड्स किस तरह? बहुत सारे रिवार्ड्स एंड बहुत सारे अवार्ड्स. कोई खास जो आप इस समय हमें बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो हम लोगों को बहुत सारे पीस अवार्ड मेरे को मिला हुआ है. देन उसके बाद में आई एम अ मेम्बर ऑफ कैफर शेफ एसोसिएशन ऑफ 5 रिवर्स, देन मेंबर ऑफ इफका ऑल्सो. अलग अलग जगह पर अलग अलग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी शायद आपने. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमारे जितने भी एफिलिएशंस हैं, वी हैव इंटरनेशनल एफिलिएशंस आर देयर. एंड देन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि यहाँ का बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, तो वो स्किल के अंदर में हमने इसको एकदम बच्चों के अंदर में वो कैलिबर लेकर आ गए कि ये सब आप इसको पढ़िए और आगे बढ़ाइए. एंड ऐसे ही विमेन अवार्ड मिला था मुझे दिल्ली के अंदर में, दैट वाज फॉर द विमेन अचीवमेंट अवार्ड अबाउट वोकेशनल स्किल्स के अंदर में. ब्यूटीफुल. कि हम लोगों ने 1 साल के अंदर में करीबन 950 बच्चों को पढ़ाया था. ब्यूटीफुल. 950 गांव के बच्चों को पढ़ाया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. आई कैन ऑलवेज सी आपकी आंखों में वो पूरी की पूरी जर्नी 1999 से है ना अभी तक की एनएफसी की नजर आ रही है. इट बीइंग चलिए एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे आपसे, जिसके अंदर जो भी आपको सबसे पहले याद आता है कोई लफ्ज या कोई भी बात उसके बारे में, तो आप उसके बारे में बोलेंगे. फाइन. तो योर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर ब्लू. फर्स्ट लव? नितिन. फर्स्ट क्रश? फर्स्ट क्रश स्कूल टाइम में था, वो नाम नहीं बोलूंगी. ओके. सब्जी फेवरेट? सब्जी करेला. शांति? पीस, मतलब शांति मींस रेकी. नॉट रेकी, यू डूइंग रेकी एज़ वेल? या रेकी. वंडरफुल, वंडरफुल. एंड व्हाट व्हिच इज द फेवरेट मूवी ऑफ योर्स? फेवरेट जो जीता वही सिकंदर. वाओ. एंड यू हैव इंटरेस्ट इन मूवीज? बहुत ज्यादा. तो मूवीज के बारे में कोई आपकी कोई मेमोरी बनी हो अच्छी सी, सर के साथ आप मूवी देखने गए हो? पहली मूवी देखी थी जो जीता वही सिकंदर, उनके साथ ही देखी थी. बिल्कुल. तो कुछ मेमोरी बनी थी तब, कोई मोमेंट आपने क्रिएट की थी तब? कोई बहुत मेमोरीज बनी थी. कोई खास कोई जो हमें शेयर करना चाहे जो लगे कि यस? कि फर्स्ट टाइम मैं हमारा एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था चंडीगढ़ के अंदर में. तो मैं वहाँ गई थी, हमने एग्जाम दिया, तो हमने कहा अब क्या करें, तो देखा एक मूवी रिलीज हुई है, चलो इकट्ठे बैठ के मूवी देखते हैं. तो वी वर लाइक 3-4 फ्रेंड्स, हम इकट्ठे मिलके मूवी देख कर आए थे. एंड कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए हमें. फैमिली के बारे में दोनों फैमिलीज बताऊँ, उधर भी और इधर भी? लाइक माई जो अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मम्मी पापा एंड 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर. चारों सिस्टर्स और ब्रदर आर इन टू एजुकेशन ओनली, और एजुकेशन के अंदर मैं बहुत नाम कमा रहे हैं अपना, बहुत अच्छे तरीके से सेटल है. और इधर वाला फैमिली के लिए बोलूँ, ये भी अपना ही फैमिली, इट इज़ लाइक माई हस्बैंड, ही इज़ इन टू एयरलाइंस और साथ में है NFCI में भी हैं एसोसिएटेड, तो वो भी साथ में कर रहे हैं. और बेटा जो है ही इज़ अ सिनेमेटोग्राफर, जिस टाइम में मुंबई में है. वंडरफुल. फादर इन लॉ मेरे राइटर हैं, राइटर भी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं. और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, ही इज इन टू अ वेरी गुड पोजीशन इन टू वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन आइडिया में. वेरी गुड पोजीशन, वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ फैमिली आई कैन सी. एजुकेशनिस्ट आर देयर, सो मेरे ख्याल से ज़्यादा चैलेंज नहीं आते होंगे मुझे लगता है. मुझे पहले कोई ऐसी बात जो आपको लगे, कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ का एक गेम चेंजिंग था, या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था, कुछ ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी बड़ी चैलेंज आपके लिए था? जब मेरा बेटा हुआ. अच्छा. तो व्हाट हैपेंड दैट एट द टाइम मोमेंट? बेटा हुआ तो चेंज क्या हुआ, एक मदरहुड वो जो एक चेंज लेकर आता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और, कि जॉब के साथ साथ में इसको कैसे बड़ा करना है, इसको कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है. okay. एक अच्छा इंसान पहले कैसे बनाना है, तो उसको भी अपने साथ में एकदम बिजी रखा. okay. मतलब एट द एज ऑफ लाइक जब वो 9 ईयर्स का था, तो उसको ब्लैक बेल्ट कराटे के अंदर में हो गया था. एंड ही वाज लाइक मास्टर्स इनटू म्यूजिक आल्सो, तो उसका 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी हमने करवा दिया था. Wonderful. और इसी तरीके से मतलब उसको जितना छोटी एज में बच्चे को पढ़ा दो और डिसिप्लिन बना दो, तो उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है. ही वाज गुड एट स्टडीज आल्सो, एंड देन आगे बढ़ता चला गया. अब सिनेमाटोग्राफर है इस टाइम पे,
कर रहा है उसी के अंदर में काम अच्छा कर रहा है. Awesome, awesome. And one more thing, लाइफ के बहुत सारे हसीन पल आपने बिताए हैं, आज एक बहुत अच्छी रिकग्निशन है. एंड कोई ऐसी आपकी हसरत, कोई विश आपकी जो आपको लगता है कि यार ये कहीं हो जाए ना तो लाइफ में मजा आ जाए, मतलब इसको हो गया तो लाइफ जिंगा लाला. कुछ ऐसी बात पर्सनली अपने लिए तो नहीं, मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कहती हूँ कि वो पीस में रहें सब, और सब अच्छे तरीके से जो एक नेचर है ना उसको प्रिजर्व करके रखें. माय मेन मोटो जो इस टाइम पे मैं कहूँगी कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, सबको अच्छा रखने के लिए, बिकॉज मैंने कोविड में देखा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रबल आई कोविड के अंदर में, कभी सांस का नहीं आना, कभी ये होना, बट अगर आप नेचर के साथ रहेंगे ना तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती आपको लाइफ में. तो वो नेचर को स्प्रेड करना है बेसिकली. ओके, मुझे आपसे दो तीन मैसेजेस जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी व्यूअर्स को जो इस समय देख रहे हैं, यू आर अगेन अ सुपर हीरो फॉर अस एवरीबॉडी. सो बिजनेस जो करना चाहती हैं वुमन, जो वीमेन हमारी कैटेगरी है, अगर उनको आपने कोई मैसेज देना हो इस समय तो क्या मैसेज आप ड्राइव करेंगे? सबसे पहले तो आप जिसको भी प्लान करें, आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई भी किसी चीज़ को भी, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, और जिस भी उसके अंदर में जाना चाह रहे हैं, से अगर आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं कहूँ कि केक्स का ही करना चाह रहे हैं या आप चॉकलेट्स का ही करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं फूड से हूँ तो फूड से रिलेटेड कहूँगी, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, क्या मेरे को फिनेंशियल वो चाहिए, किस तरीके से मुझे अपना, और खुद करिए. फर्स्ट टाइम जब खुद करेंगे ना अपने आप, तो आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. अदरवाइज नहीं तो नॉर्मली लाइक पंजाब के अंदर क्या, ऑल ओवर उसके अंदर में आप लोगों ने एक ऐड भी देखा होगा, एक ऐड भी चल रहा था कि लड़कियों को कहा ही नहीं जाता कि आप फिनेंसेस मैनेज करो. दे शुड मैनेज द फिनेंस. अगर आप कभी भी घर में किसी भी होम मेकर को एक देते हैं ना कि आपका ये किचन चलाना है, आपको सबसे अच्छा मैनेज करके देती हैं, उसमें से अपनी एक पॉकेट मनी भी निकाल के देती हैं, और फिर जब कभी हस्बैंड को जरूरत होती है तो वो एकदम से निकाल के दे देती हैं कि नहीं अब आप ये परचेज कर लीजिए. कोविड टाइम के ऊपर जैसे काफी बिजनेस को चैलेंजेस आए, हाँ, तो ड्यूरिंग लाइक यू हैव सेड कि आप 15 ब्रांचेस को रन कर रहे हैं, यस, पैन इंडिया, यस, तो उस समय फिर कैसा रहा आपका वो चैलेंजेस, किस तरह से? अरे हमारे साथ तो बहुत ही एक अजीब सा चीज़ भी बोलूँगी कि लास्ट डे जब हमारे को मालूम नहीं था कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा, 19th ऑफ मार्च को हमारा इनॉग्रेशन था लखनऊ ब्रांच का. ओके, यस, और उससे दिन हमें को मालूम चला कि यस अब ये सब बंद होने वाला है. जी, जी, हमने कहा पता नहीं हमें फ्लाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर 20th को वी लैंडेड एयर, और थोड़े टाइम के लिए हम लोगों ने सपोज मैं कहूँगी 19th मार्च से 13th अप्रैल तक हमने बंद रखा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा था. बट 13th अप्रैल से हम लोगों ने अपना पोर्टल ही बना लिया, मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, तो ऑनलाइन लर्निंग पे आ गए थे हम लोग. सारे बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी काम था, सब लोग उसी के अंदर कर रहे थे. वंडरफुल. तो रुके नहीं, बढ़ते चले गए. तो एक जैसे आपने फैमिली के बारे में बताया कि आपके लिए जब सन हुआ आपका बेटा जी, हुआ जी, तो जी. आपके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्म कुछ काइंड ऑफ थिंग था, तो वो फैमिली को अगर आप कुछ एक मैसेज देना चाहें कि उस समय हिलना नहीं है, स्टेबल रहना है, या कोई ऐसा मंत्रा जो आप देना चाहें, वो क्या है आपकी तरफ से? जो फीमेल है ना या मेल है, कोई एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर वो शुरू से डिसिप्लिन रहता है, तो वो क्या करे कि अपनी लाइफ के अंदर में ना अपना एक पहले से ही एक माइंड, जिसे मैं अपना मेरा एक खुद का वो है परसेप्शन है, योर थॉट इज योर लाइफ. क्या बात. आप किसी तरीके से जो थॉट्स अपने मन के अंदर में लेकर आते हैं ना, वही आपकी लाइफ बनती चली जाती है. उस टाइम पे मेरा थॉट ये था कि मुझे इसको भी बड़ा करना है, खुद भी आगे बढ़ना है. अब ऐसा नहीं था कि लाइक हमारे को कोई इस तरीके का प्रॉब्लम था कि नहीं आपको जॉब करना ज़रूरी है या काम करना ज़रूरी है. इट वॉज नॉट, इट वॉज माई पैशन कि नहीं मुझे वर्क करना ही करना है, करना ही करना है. तो उस टाइम पर बस यही कि आप जो हैं दिल में जब ठान ले किसी चीज़ को तो 100% करके दिखाओ, पीछे मत हटो. बहुत से लोग आएंगे आपको हटाने के लिए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बट यू कैन डू दैट. वंडरफुल. कर सकते हैं. एंड सोसाइटी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी पहले तो होती क्या है, आपके आसपास सराउंडिंग के लोग जितने भी हैं, और सोसाइटी हम लोगों को कैसे हेल्प करती है अपने आप को चलाने में या सोसाइटी को मूव करने के लिए. कभी भी किसी की लाइफ में ना हिंड्रेंसेस मत पैदा करें, हमेशा
उनकी लाइफ है, उनको उस तरीके से जीने दें जैसा वो जीना चाहते हैं। तो जैसा भी, जिसका जैसा कर्माज, जैसा जिसका लिखा हुआ है, लेट देम गो इन टू द फ्लो, एकदम फ्लो में चलते रहिए। आप मत पैदा करिए कुछ भी कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेट इट बी लाइक अ स्मूथ जर्नी आपका रहना चाहिए। और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि जो राजन सर के पास में है वो मेरे पास में भी हो, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज हिज जर्नी, माई जर्नी एंड एवरीबडीज जर्नी। तो सब अपनी अपनी जर्नी के अंदर में अपने आप से कम्पीट करें कि मुझे बेटर कैसे बनना है। एक सबसे पहले एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनिए, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़े उनको हेल्प करिए। सो एक मेरा अपना हैशटैग भी है, डू लिटिल थिंग्स फॉर एवरीवन। ब्यूटीफुल। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए, आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। Awesome. और आज पुखराज टीवी पर हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी नाइस। तो पुखराज टीवी के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं या उनके वेल विशेस के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। पुखराज टीवी के अंदर में नए नए एपिसोड हम अभी शी रोज की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी फीमेल्स जो गांव के अंदर में भी हैं या कहीं पर भी जो अपना काम कर रही हैं, उनको और प्रमोट करें और अच्छे तरीके से लेकर आएँ और दिखाएं, पूरे दुनिया को दिखाएं कि क्या एक लेडी कर सकती है। या एक मैं कहूँगी लेडी क्यों, हर एक ह्यूमन बीइंग को दिखाएं जो अच्छा कर रहा है, उसको प्रमोट करें, उसको आगे लेकर जाएं। और इतना अच्छा ये चैनल चले, सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे देखते रहें। वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल ये, व्हाट एन इंस्पायरिंग लेडी। बहुत ही मजा आया यार मुझे तो, आई रियली 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 फील मोटिवेटेड। बट अभी बहुत सारे और शी हीरोज बाकी हैं, पुखराज टीवी लेकर आ रहा है एक एक शीरोज आप लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए। तब तक प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को यानी पुखराज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।